हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, एसआरएफ, गेट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। और ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व रूट एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू एक्स। तो फ्रेंड्स, इसको पहले एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जैक्ट बनाने के लिए एक्स टू की पावर एम का मल्टीप्लाई करना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो एक्स टू की पावर एम का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा एक्स टू की पावर एम प्लस वन बाई टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पावर एम प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री एक्स टू दी पावर एम वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम प्लस वन। ये हो गया जब एक्स टू दी पावर एम प्लस वन का एम का मल्टीप्लाई किया हमने। और फ्रेंड्स, इसमें हमें ये टर्म जो होती है, इस टर्म को हम देते हैं पी जीरो, इसको देते हैं पी वन, इसको देते हैं पी टू और इसको देते हैं फाइव एक्स नाम। अब ये एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होने के लिए हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो है हमारे पास P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू जीरो हो, यानी P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इक्वल टू जीरो हो, तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन होती है वो एग्जैक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें अगर P2 की वैल्यू देखें तो P2 बराबर क्या है, थ्री एक्स टू दी पावर एम, ये हो गया माइनस पी वन डैश। पी वन डैश क्या है, ये तो ये माइनस, इसको ये हो गया टू एम प्लस वन और ये हो गया हमारे पास टू एम प्लस वन एक्स टू दी पावर एम, ये हो गया। अगर पी टू को देखें तो पी टू हो गया हमारे पास प्लस तो फ्रेंड्स P0 डबल डैश, इसको देखा तो ये हो गया एम प्लस वन बाई टू एम माइनस वन बाई टू एक्स टू दी पावर एम माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास जीरो होना चाहिए, ये टर्म जो है जीरो होगी। कब होगी फ्रेंड्स, जब दोनों कोफिशिएंट जो है वो जीरो होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट का कंपेरिजन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री माइनस टू एम प्लस वन, या इसको लिख सकते हैं टू एम माइनस टू, थ्री माइनस टू एम माइनस टू, क्योंकि एक्स टू पावर एम कॉमन ले लिया, ये हो गया प्लस ये आ गया एम प्लस वन बाई टू एम माइनस वन बाई टू एक्स टू पावर एम माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो। फ्रेंड्स, ये कब जीरो होगा, जब दोनों कोएफिशिएंट जीरो होंगे। दोनों कोएफिशिएंट जीरो होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो है हमारे पास, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास वन माइनस टू एम एक्स टू पावर एम प्लस और ये m प्लस वन बाई टू एम माइनस वन बाई टू एक्स टू दी पावर एम माइनस थ्री बाई टू। तो अगर ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो वन माइनस टू एम इक्वल टू जीरो, यानी कि m बराबर वन बाई टू। एम बराबर वन बाई टू पर अगर ये जीरो हुआ तो हमारे पास m ऐसा मिल जाएगा कि एक क्वेश्चन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो m बराबर वन बाई टू पर देखें तो m बराबर वन बाई टू पर ये जीरो हो रहा है, यानी ये भी इस m बराबर वन बाई टू पर जीरो हो रहा है। तो m की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से वन बाई टू। अब फ्रेंड्स, m की वैल्यू जब वन बाई टू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी चेंज होके, यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये हो गई हमारे पास x d स्क्वायर y अपॉन d x स्क्वायर प्लस टू एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री एक्स टू द पावर वन बाई टू वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। तो फ्रेंड्स, यहां से हमारे पास पी जीरो बराबर आ गया एक्स, पी वन बराबर आ गया टू एक्स पावर थ्री बाई टू एंड पी टू बराबर आ गया थ्री एक्स की पावर वन बाई टू एंड फाइव एक्स बराबर है एक्स पावर थ्री बाई टू। ये आ गए फ्रेंड्स हमारे पास। अब अगर हम
ये चूंकि एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास पी जीरो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी जीरो डैश पी वन माइनस पी जीरो डैश और ये हो गया हमारे पास वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी। ये सॉल्यूशन होता है जब ये एग्जैक्ट बन जाती है। तो उसके बाद ये हो गया हमारे पास पी जीरो जो है वो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया हमारे पास प्लस यहां से अगर देखें तो पी वन क्या है टू एक्स की पावर थ्री बाई टू और पी जीरो एक्स और पी जीरो का डैश निकालेंगे तो माइनस वन यानी जो वन आ जाएगा डैश तो ये माइनस वन आ गया यहाँ पे वाई इक्वल टू अगर इसका इंटीग्रेशन देखें एक्स एक्स की पावर थ्री बाई टू तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर फाइव बाई टू अपॉन टू फाइव अपॉन टू आएगा तो टू फाइव अपॉन टू आएगा तो फाइव नीचे टू ऊपर ये होगा टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई टू तो ये हो गया प्लस एक्स प्लस सी। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बाई एक्स का पूरी तरह डिवाइड कर लें तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन फाइव प्लस सी अपॉन एक्स फ्रेंड्स ये हो गया। आप इसको हम देखें तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर फॉर्म में है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना होगा और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना होगा। तो पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वेशन का निकालें तो क्या आएगा इंटीग्रेटिव फैक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास ई ऑफ समेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स पी क्या है यहाँ पे ये टर्म है तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर टू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स बाई एक्स सॉरी एक्स की वन बाई टू अगर निकालें एक्स की पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन निकालना है हमें तो ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू आएगा टू ऊपर चला जाएगा ये हो गया हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं हम ई टू द पावर ये हो जाएगा जब यहाँ से हमारे पास ये थ्री बाई टू आएगा तो ये टू मल्टीप्लाई होके फोर एक्स टू एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री ये लिख सकते हैं इसको माइनस ये आ गया लॉग एक्स तो इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट ई टू द पावर फोर बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू तो ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फिर सॉल्यूशन निकालना है हमें तो सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो फाई एक्स राइट हैंड साइड में है ये फंक्शन अगर इसको हम आर दें तो आर एक्स डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर ऑफ डी एक्स तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स ई टू द पावर फोर बाई थ्री एंड एक्स टू द पावर थ्री बाई टू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर लिख रहे हैं ई सो एक्स डॉट ई टू द पावर फोर बाई थ्री एंड एक्स टू द पावर थ्री बाई टू ये हो गया और डॉट मल्टीप्लाई बाई टू बाई फाइव एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस सी अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले क्या कर रहे हैं हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेने के केस में जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स डॉट ई टू द पावर फोर बाई थ्री रहेगा एक्स टू द पावर थ्री बाई टू ये टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास टू डॉट फाइव एक्स टू द पावर थ्री बाई टू या हम कहें इसमें एक्स का मल्टीप्लाई
सॉरी एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, यानी इस टर्म में हमने एक्स एक्स एलसीएम लिया तो ये टर्म आ चुकी है हमारे पास। अब इस एक्स से इस एक्स को हम काट सकते हैं, तो ये काट दिया तो हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म जो बचा ये बचा हमारे पास ई टू द पावर फोर बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डॉट टू डॉट फाइव एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डॉट एक्स डी एक्स, एक तो ये टर्म बची प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर फोर बाई थ्री ई टू द पावर फोर बाई थ्री और एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स, और सी जो है वो बाहर आ गया। ये हो गया हमारे पास, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो फ्रेंड्स अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करना चाहे तो हम ले रहे हैं फोर बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू बराबर टी, तो इस टी मान लिया तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर वन बाई टू, क्योंकि थ्री बाई टू आगे आएगा थ्री बाई टू डॉट और फोर बाई थ्री पहले से है, ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, या यहाँ से अगर हम देखें तो थ्री से थ्री कट जाएगा, ये हो गया टू एक्स टू द पावर वन बाई टू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी, या यहाँ से कहें एक्स टू द पावर वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू ऑफ डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू ऑफ डी टी। ये हो गया इस टर्म के इंटीग्रेशन के लिए, और इसका तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, तो ये अब यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी, क्योंकि इसको हमने टी मान लिया है, और यहां पे अगर हम देखें तो एक्स टू द पावर वन बाई टू इसको लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स टू द पावर वन बाई सॉरी एक्स स्क्वायर डॉट एक्स टू द पावर वन बाई टू इन दोनों को मिला के, तो यहां से अगर हम देखें तो एक्स टू द पावर थ्री बाई टू की जगह तो हम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इसका सॉल्यूशन निकालना काफी मुश्किल है, तो इसका जो ऑप्शंस थे ऑप्शन में भी इसका जो आंसर था वो इसी फॉर्म में दे रखा था, यही इसी फॉर्म में इसका आंसर छोड़ा हुआ था, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो काफी लेंथी हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन जो छोड़ रखा था वो इसी फॉर्म में छोड़ रखा था ये वाला। तो इस तरह से हम इसके और भी एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसको हम अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा इस तरह से मानने में, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे टर्म नहीं बन पा रही थी जिससे इसका सॉल्यूशन हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।